गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में केमिस्ट्री का 14 नंबर भाग चल रहा है। अपना टॉपिक चल रहा था आपका रेडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना। जैसा कि बता चुके हैं कि इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए बेटा जी 7 नियम चाहिए थे अपने को। पहला नियम आपने पढ़ लिया, लगा के देख लिया कि दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को दो अर्ध भागों में बांट देते हैं, बांट दिया था। दूसरा नियम था कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा कोई अन्य आयन है तो उसे संतुलित कर देते हैं, वो लगा दिया। तीसरा हाइड्रोजन को संतुलित, तीसरा था ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल का उपयोग करते हैं। चार नंबर पर आया हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए एच पॉजिटिव का उपयोग करते हैं। और पाँच नंबर पर आया था आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। आज अपने बात करेंगे, यहाँ तक पढ़ चुके हैं बेटा। अब 6 नंबर नियम आ गया था आपके पास, ऑफिस में दे इधर बैठे। 6 नंबर नियम क्या आया, दोनों अर्ध भागों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करते हैं। ये नियम नंबर है आपका 6। मतलब इस भाग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3, और उस भाग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इधर तो 3 है, उधर 1 है, तो क्या करें फिर इधर 3 करने के लिए, इस पूरी समीकरण को 3 से गुना कर दिया। इसमें तो 3 है ही है, इसको किसी से गुना करने की जरूरत नहीं, यानी कि 1 से गुना किया है तो ये आ गया नीचे ऐसा कैसा, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव से बन गया MnO2 प्लस 2H2O। इस भाग को बेटा जी क्या बन गया, 3Fe+2 से क्या बन गया, 3Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, लास्ट नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 से पहले बेटा आपको जानकारी बता दें कि 1 तारीख के बाद, उससे पहले बेटा आपका 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद ये जो वीडियो बेटा अपने अपलोड कर रहे हैं ये आपको YouTube पर नहीं मिलेंगे, आपको स्कूल ऐप पर मिलेंगी। इसका मतलब जैसे आपके फ़ोन में WhatsApp चलता है, Facebook चलती है, वैसे ही एक स्कूल का ऐप चलेगा। उसका लिंक स्कूल के माध्यम से आपको भेजा जाएगा, जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे वो ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड, डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वो ऐप आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा, और आईडी और पासवर्ड दोनों आपको स्कूल से प्राप्त होंगे। इसीलिए 1 तारीख से पहले विद्यालय आकर आप अपना आईडी और पासवर्ड लेकर जाएं। ठीक है जी। दूसरा, जो 11 12th के बच्चे हैं उनकी ऐप की फ़ीस, यानी कि एक बार स्कूल फ़ीस जो है इसके लिए 10,000 रुपये रखी गई है। ये फीस आने वाले समय में आपकी स्कूल फीस में समायोजित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप 1 तारीख से पहले पहले विद्यालय आकर अपनी लॉगिन आईडी व पासवर्ड ले जाओ। अब नियम नंबर 7 देखो क्या कहता है। 7 नंबर कहता है कि दोनों अर्ध भागों को पुनः जोड़ दें, दोनों अर्ध भागों को पुनः जोड़ दें, यानी कि तीर के इधर वाले इधर और तीर के उधर वाले उधर, तो क्या बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन फोर एच पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस उधर से उठाओ तीर के इधर वाले 3Fe+2 तीर के उस तरफ वाले,
MnO2 प्लस 2H2O प्लस 3Fe प्लस 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपके मन में आए कि सर हम चेक करना चाहते हैं क्या हमने काम सही किया कि गलत किया, संतुलित है कि नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, तीर के इधर। उस भाग में भी कितने हैं? 3, संतुलित। कितने एच हैं? देखो यहाँ पे 4। इधर वाले भाग में कितने एच हैं? 4। ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 4। इधर वाले भाग में 2 येरे 2 येरे 4। कितने एफ ई हैं? 3। इधर भी कितने हैं? 3। ठीक है, इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य सही है और दी गई जो रेडॉक्स अभिक्रिया हमें दी थी संतुलित करने के लिए, हमने संतुलित कर दी है। आ गया टॉपिक समझ में? ये टॉपिक था बेटा 11th का टॉपिक, रियल टॉपिक ये था आपका। ठीक है जी, चैप्टर है आपका पूरा एक रेडॉक्स। ऑक्सीकरण अपचयन तो आपने 10वीं में पढ़ा है थोड़ा बहुत, ये पहली बार पढ़ा है। रेडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना, ठीक है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन है आपके पास क्या कि प्रश्न है हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ठीक है जी। प्रश्न है हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।